बेंगलुरु और मैसूरु दोनों कर्नाटका के महत्वपूर्ण शहर है। एक शहर को टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है तो दूसरे को ट्रेडिशन के लिए। इन दोनों शहरों को आधुनिक कनेक्टिविटी से जोड़ना कई अलग अलग दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। बेंगलुरु मत्तु मैसूरु एरडू कर्नाटक महत्वपूर्ण नगर गलागिवे। वंदु तन्ना टेक्नोलॉजी के परिचित वागिदरे इन्नंदु तन्ना परंपरेय कारण के परिचित वागिदे। ये एरडू नगर गला आधुनिक संपर्क दिंदागी बेरे बेरे रीतिया दृष्टिकोन बहला महत्ववन्ना ई संपर्क पड़ितदे। लंबे समय से दोनों शहरों के बीच यात्रा करने वाले लोग भारी ट्रैफिक की शिकायत करते थे, लेकिन अब एक्सप्रेसवे की वजह से ये दूरी सिर्फ 1.5 घंटे में पूरी की जा सकेगी। इससे इस पूरे क्षेत्र में आर्थिक विकास की रफ्तार बहुत तेज होने वाली है। बहुत समय नगर प्रयाणिकरु भारी रीतियल्लि वाहन दट्टणेय कारण के दूर सल्लिस्ता इद्दरु। इवत्तु एक्सप्रेस हाईवे कारण प्रयाण दूरवन्न केवल 1.5 घंटे पूर्ण माडलु साध्यवाग्तदे। इदर कारण के प्रदेश आर्थिकतेया अभिवृद्धिया वेगवु हेच्चुत्तदे। ये एक्सप्रेसवे रामनगर और मंड्या से गुजर रहा है। यहां भी कई ऐतिहासिक धरोहर मौजूद है। इन शहरों में भी पर्यटन की संभावना बढ़ जाएगी। इससे मैसूरु तक पहुंचना आसान तो होगा ही, साथ ही मां कावेरी की जन्मस्थली कोडा की बरसात में लैंडस्लाइड के कारण वेस्टर्न घाट में बेंगलुरु मंगलुरु का रास्ता अक्सर बंद हो जाता है। इससे इस क्षेत्र की पोर्ट कनेक्टिविटी प्रभावित होती है। मैसूरु कुशलनगर हाईवे के चौड़ीकरण से ये समस्या भी दूर हो जाएगी। अच्छी कनेक्टिविटी के चलते इस क्षेत्र में इंडस्ट्री का भी विस्तार बहुत तेजी से होगा। ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಮಳೆಗಾಲದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಕುಸಿತದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆ ಆಗಾಗ ಬಂದ್ ಆಗ್ತದೆ। ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದರಿನ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತದೆ। ಮೈಸೂರು ಕುಶಾಲನಗರದ ಹೈವೇಯ ಅಗಲೀಕರಣ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತದೆ। ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಪರ್ಕದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಯ ವಿಸ್ತಾರವು ಬಹಳ ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ।